देखिए दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में ठीक है सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल नाम का टॉपिक लिया था। चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल देखा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने साइन रूल डिस्कस किया था। साइन रूल था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। उसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन बी अपॉन बी लिख सकते हैं, और साइन सी अपॉन साइन सी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कौन सा रूल, कोसाइन रूल डिस्कस कर रहे हैं। तो कोसाइन रूल क्या होता है? ठीक है, कोसाइन रूल भी ट्रायंगल के लिए रहेगा। तो ट्रायंगल के इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, पहला रूल है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी और कॉस ए। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? ए स्क्वायर लिख दिया अपन ने, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया, क्या रहते हैं बचे हुए, क्या रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, माइनस ट्वाइस बी सी आया तो यहाँ पे बी सी लिखो, माइनस ट्वाइस बी सी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉस ऑफ कोसाइन रूल है इसलिए कॉस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ए कहाँ से आया, इस ए से ए आ गया, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है बचा हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस लिख दिया, बी सी आया तो यहाँ पे बी सी लिख दो, इंटू कॉस ऑफ किसका लिखना है, ए का लिखना है, कॉस ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, वैसे ए स्क्वायर आया तो अपन ऐसे लिखा, बी स्क्वायर आया तो कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर आया बचा हुआ क्या रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे माइनस टू लिख दो, कौन से आ गए, ए एंड सी आ गया, तो ए एंड सी लिखा, इंटू कॉस ऑफ, कॉस ऑफ क्या लिखना है, बी लिखना है, यहाँ पे बी लिखा। ठीक है, थर्ड इसके ऊपर चलते हैं, बताओ मेरे को क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, बचा हुआ क्या है अपने पास, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर आ गया, बचा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस टू लिख दो, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया, ए एंड बी आया, ए एंड बी लिखा, कॉस ऑफ किसका कॉस लेना है, सी का लेना है, तो कॉस सी लिखा। ठीक है, इसी इसको कोसाइन रूल को ध्यान में रखना है, इस प्रकार से भी रखना है। ठीक है, दूसरा प्रकार बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू निकालना है, कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को उस साइड में लेके जाओ, नहीं तो ए स्क्वायर इस साइड में लेके आओ, तो प्लस ए स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखा, ए स्क्वायर को इस साइड में लेके आ गया। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये साइड इसको इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और इसको इस साइड में लेके आएंगे, माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्वाइस बी सी कॉस ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे कॉस ऑफ ए को ऐसे रखते हैं अपन, कॉस ऑफ ए को ऐसे रखेंगे, कॉस ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ट्वाइस बी सी को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो ये भी कोसाइन रूल है। कॉस ऑफ ए इक्वल टू ए आया तो ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करना है और नीचे में क्या लिखना है, बी इंटू सी लिखना है, ट्वाइस बी इंटू सी। ठीक है, वैसे कॉस भी क्या लिखेंगे अपन, कॉस भी क्या लिखेंगे, कॉस ए आया तो ए स्क्वायर, कॉस बी आया तो बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कौन से रहेंगे, रिमेनिंग जो साइड है वो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ट्वाइस तो आता है, यहाँ पे ए इंटू सी आएगा। वैसे कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी क्या आएगा बताओ आप लोग, यहाँ पे सी, सी आया तो सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बचे हुए जो साइड है वो माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं और डिनोमिनेटर में ट्वाइस क्या लिखेंगे, ए इंटू बी लिखेंगे। तो ये अपने को कोसाइन रूल हो गए, आपको ये तीन चीज़ें ध्यान में रखना है। वैसे कॉस ए का फार्मूला, कॉस बी का फार्मूला, कॉस सी का भी फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोसाइन रूल अपने को प्रूव करना है और उसके बाद इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको कोसाइन रूल कैसे ध्यान में रखना है वो ट्रिक्स आपको मैंने बता दी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में किसको रखना है, आपको रखना है, कैसे रखना है, इस वे से रखना है, लेकिन भूल मत जाना। ठीक है, तो अपन इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अपने पास पहला प्रूव करेंगे, दूसरा तीसरा आपको प्रूव करना है।
ठीक है, दूसरा प्रूव करने के लिए पहला प्रूव करते हैं, ठीक है। नंबर वन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ऑफ ए है, समझे। कॉस ऑफ ए लिया है, किसका कॉस लेना है, एंगल ए का लेना है, तो ए को ही ओरिजिन पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए जैसे दिखाई दिया कॉस ए दिखाई दिया, नहीं तो ए दिखाई दिया, ए स्क्वायर दिखाई दिया, तो अपने समझ में आना चाहिए ए को ही ओरिजिन में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के ऊपर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले पार्ट प्रूव करने के लिए कॉस ए दिखाई दिया और ए स्क्वायर दिखाई दिया, तो ए को ओरिजिन पे लेना है, ये ए हो गया, तो यहाँ पे मैं बी लेता हूँ और इसको क्या लूँगा, मैं सी लूँगा, ठीक है। अभी देखो एंगल ए है, एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है और एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो अभी बी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ओरिजिन पे है तो जीरो जीरो रहेंगे, ए लिख दिया जीरो जीरो, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बताओ, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, सी है, सी लिखा, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्सिस के ऊपर जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, सी है, इसलिए सी लिखा, एक्स की वैल्यू सी लिखी, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। वैसे सी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स और वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई लिखेंगे, सी के कोऑर्डिनेट क्या मिले, एक्स और वाई, लेकिन एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये क्या रहता है, आर रहता है, और ये क्या रहता है, थीटा रहता है, थीटा के जगह पे क्या है अपने पास, ए है, बराबर है। तो x इक्वल टू अपन लिखते थे, दिस इक्वल टू सी के कोऑर्डिनेट r cos थीटा, और दूसरा कौन सा रहता था, r sin थीटा रहता था, r cos थीटा और r sin थीटा रहता था, बराबर है। उसके बाद देखो यहाँ पे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे c लिखता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट r की वैल्यू क्या है, r क्या रहता था, a रेडियस रहती थी, रेडियस की वैल्यू क्या है अपने पास, b है, तो यहाँ पे b लिखा, cos ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा यानी एंगल रहता था, एंगल की वैल्यू क्या है, ये है, तो बी कॉस ए हो गया। वैसे यहाँ पे आर की वैल्यू बी है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ए है, तो ये लिख दिया, ये मिले सी के कोऑर्डिनेट मिले, समझे क्या, ठीक है। देखो ए ओरिजिन पे है तो जीरो जीरो, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सी है, सी लिखा एक्स का कोऑर्डिनेट, बराबर है, और y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर जीरो रहता है, तो जीरो लिखा। वैसे यहाँ पे पॉइंट c है, c के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, एक्स वाई रहते हैं, लेकिन x इक्वल टू क्या रहता है, अपन पिछले लेक्चर में देखा था, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, r क्या रहता है, रेडियस रहती है यहाँ से यहाँ तक, और थीटा क्या रहता है, एंगल रहता है, ठीक है। एंगल कौन सा लिया, a लिया, तो थीटा के जगह पे a लिखना है और रेडियस के जगह पे क्या लिखना है, b लिखना है, तो अपने को b cos ऑफ a मिला और b sin ऑफ a मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना C के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, A के, B के, C के कोऑर्डिनेट। क्या बोला था मैंने, A को ओरिजिन पे लेना है, A के कोऑर्डिनेट X का जीरो, Y का जीरो, B के कोऑर्डिनेट X का C मिला और Y का जीरो, और C के कोऑर्डिनेट, तीनों ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, उसके तरफ ध्यान देना है, प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ए के तरफ ध्यान देना है, एक कहाँ पे आया, ये आया, ए का नाम क्या है, ये साइड है, ए साइड कौन सी है, ए इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। तो नाउ अपने पास कंफर्मेशन है, ए इक्वल टू बी सी का है, बराबर है, ए इक्वल टू बी सी का है, बराबर है। तो अपने पास क्या है, ए स्क्वायर करना है, तो इसको भी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर वैसे रहेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी यानी क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ चुके, बी के कोऑर्डिनेट माइनस सी के कोऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी सी यानी बी का कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है, माइनस सी का कोऑर्डिनेट, तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, सी है, सी माइनस बी माइनस कॉस ए, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड माइनस
सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट सी है माइनस, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है बी कॉस ऑफ ए है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है प्लस, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है, जीरो है माइनस, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा है बी साइन ए है, बी साइन ए लिखा, इसका होल स्क्वायर करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसका स्क्वायर कर दो सी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आएगा माइनस, माइनस है माइनस, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ट्वाइस ऑफ ए की जगह पे क्या है सी है, बी की जगह पे क्या है बी है, ए इंटू बी कॉस ऑफ ए होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी हो गया प्लस, इसका स्क्वायर कर दो बी स्क्वायर और ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, समझे। तो वैसे यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं पास में ला सकता हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलेगा बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये सी स्क्वायर ऐसे लिखा बी स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा हुआ क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। और बाद में बचा हुआ टर्म कौन सी है माइनस ट्वाइस सी इंटू बी कॉस ऑफ ए है, समझे क्या, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है आप लोगों को वन होती है, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे माइनस ट्वाइस सी बी और कॉस ऑफ ए लिखा, ए स्क्वायर इक्वल टू, और शायद अपने को यही प्रूव करना था, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए, अपने को यही प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आप कोसाइन रूल, ठीक है, कोसाइन रूल का पहला पार्ट प्रूव किया, रिमेनिंग पार्ट आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए ओरिजिन पे लिया था, सेकंड पार्ट में क्या लेंगे बी ओरिजिन पे लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको ए नाम देंगे, ए बी सी ऐसे आ सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या लेना है, सी को ओरिजिन पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ए को क्या किया था उसके लिए अपन और एक रिपीट करेंगे, देखो पहला पार्ट प्रूव करना है तो ए को ओरिजिन पे ले, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट लिखा, ठीक है। अपने क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है, तो ए के तरफ ध्यान दो, ए क्या है यहाँ पे बी सी है, तो ए इक्वल टू बी सी मिला, तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर करो इसको स्क्वायर करो, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए के बी के कोऑर्डिनेट माइनस सी के कोऑर्डिनेट, पहला बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट ले लो, पहला पहला बी का कोऑर्डिनेट बाद में सी का पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका सबट्रैक्शन किया होल स्क्वायर किया वैसे, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो सिंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, ये बी स्क्वायर कॉमन निकलता है, कॉमन निकाला तो इसकी वैल्यू क्या मिली वन मिली, तो ये अपने को मिला सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर मिला माइनस ट्वाइस बी सी अपन, ठीक है। तो एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल गिवन है ए इक्वल टू 60 डिग्री, बाद में बी एंड सी गिवन है, बी इक्वल टू 3 है सी इक्वल टू 8 है, स्मॉल बी स्मॉल सी साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड ए, एक फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आल्सो फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल क्या होती थी आर की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन रूल यूज होगा, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल आ गया तो साइन रूल यूज होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास गिवन है ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, बी इक्वल टू 3 है और सी इक्वल टू क्या है 8 है, बराबर है। उसके बाद बी और सी की वैल्यू है अपने पास, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ए विच इज इक्वल टू क्या है करके, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद यहाँ पे अपन कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल क्या था, किसकी वैल्यू फाइंड करना है ए की, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी इंटू सी ऑफ कॉस ऑफ ए था पहला कोसाइन रूल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, सी स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी इंटू सी, बी इंटू सी 3 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है,
तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा 48 मिलेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 मिलती है, बराबर है। तो यहाँ पे 9 इसकी वैल्यू 64 इसकी वैल्यू 48 मल्टीप्लिकेशन करके देखो इसकी वैल्यू 1/2 मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करो, इसका क्या आता है 73 आता है, उसके बाद माइनस इसका कितना आएगा 24 आएगा, इसका कैलकुलेशन करो क्या मिलने वाला है 49 मिलने वाला है, 73 माइनस 24 करो 49, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 49 मिला, तो ए की वैल्यू क्या मिलेंगी 7 मिलेंगी, ए विच इज इक्वल टू 7 ए की वैल्यू मिली, ठीक है। तो ये पहला पार्ट अपने को फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करना था, उसके बाद क्या बोला है फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के तरफ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल के लिए अपने पास ये था ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर, ऐसा अपना साइन रूल था। तो अपने पास देखो किसकी ना किसकी वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू है ए अपॉन साइन ए, देखो ए की वैल्यू अभी अभी निकाली थी अपन ने, ए अपॉन साइन ए है, ए की वैल्यू है इसलिए ए। अगर यहाँ पे एंगल बी था गिवन तो अपन सेकंड रेशो कंसिडर करते थे, अगर एंगल सी गिवन रहता तो थर्ड रेशो कंसिडर करते थे, ठीक है। तो अपने पास क्या गिवन है, ये गिवन है साइड ए कैलकुलेट किया अपन ने और साइन ऑफ ए गिवन है, तो ये इसके साथ अपन इक्वेट करते हैं, तो अपन कंसिडर करते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू ट्वाइस आर कंसिडर करते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू ट्वाइस आर। तो यहाँ पे ध्यान दो ए की वैल्यू है अपने पास क्या निकाली है 7 निकाली है, और ये साइन साइन ठीक है, ए की वैल्यू क्या है अपने पास ए की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस इंटू आर, आर है सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये आर की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये 7 लिख दिया, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 लिखा इक्वल टू ट्वाइस आर लिखा, ये 2 को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दो, 2 इंटू 7 अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू आर इंटू 2 लिखता हो, ये ट्वाइस आर लिखता हो, ठीक है। वैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 अपॉन अंडर रूट 3, देयरफॉर आर विच इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये हो गई सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। वैसे इसको लिख सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 अंडर रूट 3 लिखा, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 लिख सकता हो, तो इसकी वैल्यू ए भी आ सकती है, ए भी आंसर बराबर है, ए भी आंसर बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द बाय यूजिंग कोसाइन रूल, और साइन रूल भी यूज किया है, ठीक है। अपन सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस इक्वल टू ए इंटू बी कॉस सी है माइनस सी इंटू कॉस बी है, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई कर डालो, ए इंटू बी कॉस सी हो जाएगा, ए से इसको मल्टीप्लाई करो ए इंटू सी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अपने पास कोसाइन रूल है तो कॉस सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और कॉस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए इंटू बी ऐसे लिखा, ए इंटू बी लिखा, ठीक है। कॉस सी की वैल्यू देखो क्या, कॉस सी की क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे बताया था, और डिनोमीटर में ए बी आया तो ट्वाइस ए बी लिखते थे कॉस सी की वैल्यू, ठीक है। वैसे माइनस ए इंटू सी ऐसे रहेगा, कॉस बी की क्या होंगे माइनस बी स्क्वायर लिख डालेंगे, ठीक है। बचे हुई वैल्यू कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और डिनोमीटर में क्या लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए इंटू सी लिखते हैं, बराबर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ए बी कैंसिल कर दो, यहाँ पे ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ दोनों में से कॉमन क्या है 1/2 है, 1/2 है, दोनों में से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। बचे हुए टर्म पहले इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
ठीक है, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ए स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, तो ट्वाइस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर है और ये भी माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर होगा। दोनों में से 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाला 2, डिनोमेटर में 2 है, क्या रहेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहेगा, तो अपने को मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या मिली अपनी राइट हैंड साइड मिली, ठीक है यहाँ तक। तो ये है सेकंड एग्जाम्पल हो गया। तो अपन ने आज के लेक्चर में कोसाइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ के उसके 2 एग्जाम्पल लिए, तो अपने को ध्यान में रखना है कोसाइन रूल क्या होते हैं और कोसाइन रूल के 2 फॉर्म, ठीक है, पहला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए, और दूसरा फॉर्म कॉस ए की वैल्यू क्या आती है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म आपको ध्यान में रखना ही है, और यहाँ पे क्लिक करना है जोर से, जैसे साइन रूल और कोसाइन रूल बाहर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ तक पढ़ाई करो, बाय बाय, गुड बाय। करो जाओ।